नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरें, खबरें फटाफट में। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर, लोगों ने फिर निकाले गर्म कपड़े, किसानों बागवानों के खिले चेहरे। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश, फिर माइनस डिग्री में पहुंचा तापमान। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में ट्रक से टकराई जीप, बाल बाल बचे तीन जीप सवार। प्रदेश में कई जगह टैक्सियों के पहिए जाम, कंडाघाट, भोटा और शाहतलाई समेत कई जगहों पर नई टैक्स पॉलिसी का जमकर विरोध। टैक्सी सेवा बंद होने से बाबा बालकनाथ जी के भक्त परेशान, शाहतलाई में ढूंढते रहे ड्योत से जाने के लिए विकल्प। भोटा में प्राइवेट गाड़ियों में सामान ढोने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 10,000 रुपए वसूला जुर्माना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृह क्षेत्र सराज में बांटी सौगातें, जंजैली में अधिशासी अभियंता के कार्यालय और स्कूल भवन का उद्घाटन। पोटा साहिब के माजरा में निर्माण कार्यों पर सवाल, ग्रामीणों के आरोप, बच्चों से काम करवा रहा ठेकेदार, चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत। पालमपुर में होली उत्सव पर रहे ज्यादा सावधान, SDM धर्मेश रामोत्रा ने किया अलर्ट, 23 मार्च से कोई मेला नहीं। पूरे प्रदेश में मनाया जल दिवस, मंडी और बिलासपुर के किसानों और बागवानों को समझाई जन कल्याण योजनाएं। इस साल भी कोरोना की भेंट चढ़ा जोगिंद्रनगर मेला, SDM की अगुवाई में मेला समिति की बैठक में ऐलान। सुबाथु में सपाटू फेस्टिवल की धूम, देश विदेश में बसे लोगों ने ताजा की घर की यादें, पिकनिक में की खूब मस्ती। बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में जमकर धमाल, कार्तिक शर्मा, कृतिका तन्वर और दीपिका मुस्कान ने बांधा समा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।